बिग बॉस 14 का हाउस आजकल बहुत ज्यादा सुर्खियों में है कि भाई कौन सा कंटेस्टेंट क्या कर रहा है और कौन इस बार घर के बाहर होगा। वेल, जहां बिग बॉस ने सारे प्रेशर्स को ओपन नॉमिनेशन करने का टास्क दिया है, जहां सब लोग जिसको नॉमिनेट करना चाहते हैं उसके सामने आकर उसके नाम का मटका फोड़ेंगे, वहीं पर बिग बॉस ने इस हफ्ते होने वाले फर्स्ट एविक्शन की भी अनाउंसमेंट की है, जिसको सुनकर लोगों के होश उड़ गए हैं। वेल, चलिए जानते हैं कि किसने किसको नॉमिनेट किया और कौन होगा फर्स्ट कंटेस्टेंट जो इस घर से बाहर जाएगा पहले ही हफ्ते में। जैसा कि हमने देखा कि पावर मिलने के बाद निक्की को पूरा चार्ज मिल जाता है बीबी मॉल को हैंडल करने के लिए, जहां निक्की अपने हिसाब से डिसाइड करती है कि किसको कितने कपड़े मिलने चाहिए, जिस बात में पवित्र और निक्की में तूतू मैमे होती हुई दिखाई देगी, जहां पवित्र की डिमांड है 4 कपड़ों की, जिसके बाद आज के एपिसोड में आपको बहस होते हुए दिखाई देगी। वही राहुल निक्की को ये टॉन्ट मारते हुए नजर आएंगे कि आज बंदूक तेरे हाथ में है, कल किसी और के हाथ में होगी, जिस बात पर निक्की उनको पलट के जवाब देती है कि मुझे किसी बंदूक से डर नहीं लगता है। अब भाई निक्की के नखरे इतने ज्यादा हैं कि उसको हैंडल करना लगता है अब कुछ फैशर्स को करना मुश्किल हो जाएगा। वहीं आज के एपिसोड में बिग बॉस ये अनाउंस करते हुए दिखाई देंगे कि आज नॉमिनेशन के साथ घर का पहला एविक्शन भी होगा, जिस बात को सुनते हुए लोगों के होश उड़ जाते हैं और पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, क्योंकि ये पूरा फैसला सारे सीनियर्स मिलकर लेंगे, जिसके बाद ये एविक्शन देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा। सीनियर्स के अकॉर्डिंग कौन इस घर में रहेगा और कौन नहीं रहेगा, ये पूरी तरह से उन्हीं का फैसला होगा। सीनियर्स के अकॉर्डिंग कौन घर का सबसे पहला खिलाड़ी होगा जो पहले ही हफ्ते में अपना सामान बांधकर वापस बैक टू पवेलियन हो जाएगा, यह हमें आज के एपिसोड में पता चलेगा। और सोर्सेस की माने तो ये सारे सीनियर्स यानी हिना खान, गौहर खान और सिद्धार्थ शुक्ला ने सारा गुरपाल का नाम लिया है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, ये स्पेकुलेशंस लगाई जा रही है कि पंजाब की सिंगर सारा गुरपाल इस शो के पहले हफ्ते में ही टाटा बाय बाय कहते हुए नजर आएंगी, जिस बात से सारा के फैन बेस को इतना बुरा लगा है कि कुछ फैंस ये भी कहते हुए नजर आए हैं कि अगर सारा वीक है जिसने अच्छा टास्क परफॉर्म किया है तो जान और निशान तो लोगों को दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग हो जाएगा कि क्या सच में सारा गुरपाल घर से निकलना कोई सरप्राइज एविक्शन होगा या नहीं। वहीं जहां हमने कलर्स के प्रोमो में ये भी देखा कि नॉमिनेशन टास्क में सारे फ्रेशर्स अपनी भड़ास निकालते हुए दिखाई देंगे, जहां ये लोग मटका फोड़कर एक दूसरे को नॉमिनेट करेंगे। अगर सोर्सेस की माने तो एजाज ने राहुल वैद्य का नाम लिया है क्योंकि उनको लगता है कि वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। वहीं रुबीना एजाज खान को नॉमिनेट करते हुए दिखाई देंगी, क्योंकि वीकेंड का वार में सलमान खान की बातें सुनकर सारे कंटेस्टेंट्स में खुद को पहले रखने वाली बात ने सारे फ्रेशर्स की आंखें खोल दी है, जिसके बाद रुबीना एजाज को ये कहते हुए नजर आएंगी कि ये किसी भी हद तक जा सकता है और इसके लिए मैं इनको नॉमिनेट करना चाहूंगी। वहीं पर नाखूनों वाली निखिन शहजाद देल को नॉमिनेट करेंगी। वेल, इस नॉमिनेशन टास्क में लोग एक दूसरे के लिए अपने मन की बात कहते हुए नजर आएंगे या फिर अपनी भड़ास निकालते हुए नजर आएंगे, ये तो हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। आपके अकॉर्डिंग कौन सा फ्रेशर किसको नॉमिनेट करेगा, प्लीज हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और बिग बॉस की सारी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।